इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाता अपना प्रतिनिधि किसे चुनेंगे, इसका पता तो 10 मार्च को चलेगा। फिलहाल मतदाताओं के दरवाजे पर प्रत्याशियों का पहुंचना जारी है। प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर श्याम किशोर ने मचरेटा कस्बा सहित आसपास के गांव में संपर्क किया। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वोटरों से मिलकर बसपा की सरकार बनाने की अपील की। कहा कि ये तभी संभव होगा जब आप लोग हमें चुनकर विधानसभा भेजेंगे। मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी सुभाष राजवंशी ने क्षेत्र भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक डॉक्टर आर एस वर्मा ने कहा कि भाजपा ने केवल झूठ बोलने का काम किया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनके साथ पर्यवेक्षक आकाश विक्रम सहित पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक से सपा सुबह सपा गठबंधन प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के पुत्र मनोज राजवंशी ने क्षेत्र के फतेहनगर, गनेरिया, धवरपारा, शंकरपुर, मानपुर, आदिलपुर, तिवारीपुर, बनियामऊ, विठौरा, कुडरी, फतेहपुर आदि गांव का भ्रमण किया और अपने लिए व पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रमुख प्रवीण सिंह, संजीव सिंह, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पंकज आदित्य यादव, कुलदीप शुक्ला, मुनिंद्र, मनोज यादव, शुभम सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।